फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? वेलकम बैक, स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ए हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएच के टिप्स। दोस्तों, ऐसे छोटा आम आदमी भी फिनटेक कंपनियों के थ्रू बनेगा लोन लेने का हकदार और लोन लेके वो अपना सारा काम जो पहले पैसों के चक्कर में नहीं कर पाता था अब करेगा बहुत अच्छे से। बैंक ने जितने भी काम किए हैं वो ऐसा काम किया कि हर छोटे से छोटे तबके के लोगों के पास पैसा की पहुंच हो चुकी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है फिनटेक कंपनियां। नोटबंदी के बाद जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, फिनटेक कंपनी का मतलब आप लोग समझते होंगे, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जो मिलके कंपनी बनती है उसको बोलते हैं फिनटेक कंपनियां। और फिनटेक कंपनियां मोबाइल के थ्रू आपको लोन, क्रेडिट कार्ड या अदर आप क्रेडिट रिलेटिव सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा कंपनियां करती कैसे हैं और इसको करने के लिए उनको जो जो मतलब वेरिएबल डाटा का रिक्वायरमेंट होता है, वो डाटा मैन क्या होता है? तो दोस्तों, आज उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और सबसे पहले जो मैं जानकारी देने वाला हूं कि फिनटेक कंपनियां आने वाले टाइम में आपको कैसे लोन और क्रेडिट कार्ड देगी। तो देखते रहिए इस वीडियो को, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कि आपको फाइनेंस रिलेटिव नई नई टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो आने वाले टाइम में मिलती रहे, क्योंकि पैसों की पहुँच आप तक आने वाली है। और आपको पैसे की पहुँच के पास पहुँचने के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम इस चैनल पे सारी चीज़ों का स्टेप बाय इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिविल का। दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सिविल। सिविल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया की एक कंपनी थी, अब नहीं है, पहले थी, जो सन 2000 में इनकरप्ट हुई थी। भारत सरकार ने देखा कि यार 2000 ईयर से पहले बहुत सारे NPO हो जाते थे, मतलब बैंक जो उन लोगों को पैसे देता था वो इंडिविजुअल होता था या वो होम लोन देता था या किसी कंपनी को भी देता था, तो उस टाइम उनका इन्फॉर्मेशन रखने वाली कोई अच्छी कंपनी नहीं थी और इसकी वजह से NPO की बहुतायत बहुत हो जाती थी, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेड एसेस्ट होते हैं वो बहुत हो जाते थे, लोग पैसे ले लेके डिफॉल्ट कर देते थे, बैंक उनका रिकवर नहीं कर सकते थे क्योंकि सेंट्रल डाटा बैंकों के पास नहीं होता था और कोई भी एक बार दो बार तीन बार डिफॉल्ट बैंकों से पैसे ले लेके बार बार डिफॉल्ट कर देता था। आप लोगों ने सुना होगा कि बीते ज़माने में लोग भैंसों पे लोन लेते थे, मछली लेने के लिए लोन लेते थे, किसान लोन लेते थे, ये सारे बड़े बड़े पढ़े लिखों के नॉलेज तक होता था क्योंकि वो बैंक मैनेजर का सेटिंग करके ये सारा लोन ले लेते थे, बाद में डिफॉल्ट हो जाते थे। फ़र्क सरकार को पड़ता था क्योंकि उनका NPA बढ़ जाता था और जो इंडिविजुअल लोन लेते थे वो दोबारा तिवारा चौवारा बार बार ले लेते थे। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया ऑर्डर कि यार कुछ करो इसमें, नहीं तो ऐसे तो लोग बार बार पैसे लेंगे और जिनको पैसों की ज़रूरत है उन पे तो पहुँच ही नहीं पाएगा। जैसा कि राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि जो एक रुपये सरकार के पास से पहुंचता है वो मतलब आम जनता के पास जाते जाते 5 पैसा या 1 पैसा पता नहीं क्या हो जाता है, और वो सही बात थी। बैंक के मैनेजर से लोग सेटिंग कर करके पैसे ले लेते थे और वो डिफॉल्ट हो जाते थे क्योंकि वो सेंट्रल डाटा कुछ होता ही नहीं था, सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो सन 2000 की बात है, हमारे हिंदुस्तान में सिविल नाम की एक कंपनी का इनकरप्शन मुंबई में हुआ था और इस कंपनी को इनकरप्ट करने में 4-5 कंपनियों ने अपने अपने शेयर लगाए थे। सबसे पहले थी उसमें जो उसकी शेयर होल्डर कंपनी थी वो थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी थी HDFC बैंक एंड ब्रेड स्ट्रीट इंफॉर्मेशनल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इंक। ये 4 कंपनियों ने मिलकर सिविल का हमारे हिंदुस्तान में आगाज किया था सन 2000 में। 2000 में सिविल हो गया था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ये दो नेटवर्क और ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल इंक अमरीका की एक कंपनी है, उसका भी इसमें शेयर था। फिर क्या हुआ, ये 2000 में लॉन्च हुआ, ठीक है ना। ये कंपनी किस किस में सर्विस प्रोवाइड करती, ये भैया रिसर्च रिस्क एंड पॉलिसी बनाने में बैंकों का और NBFCs हेल्प करने के लिए इस कंपनी का इनकरप्शन हुआ था। 2004 में ये इंडिया में लॉन्च हुआ, ठीक है, 2006 में कमर्शियल ऑपरेशन में आ गया, 2007 में इस सिविल स्कोर इंडिया फर्स्ट जेनेटिक रिस्क स्कोरिंग मॉडल पर काम करने लगी और बैंकों को और NBFC को
ये देने लगी डाटा कि मतलब भाई कौन कंपनी अच्छी है कौन कंपनी बुरी है, आप उसको लोन दो या ना दो, मतलब ये 2007 में काम करने लग गई। फिर 2010 में क्या हुआ भैया, इसने दो चीज़ों पर इसने मतलब और अच्छे से काम किया और उन्होंने मतलब दो चीज़ों का मार्केट में लॉन्च किया। एक था सिविल डिटेक्ट, मतलब इंडिया की फर्स्ट रिपोर्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन थी जो हाई रिस्क वाले लोन बैंक देते थे उनको डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरा उन्होंने लॉन्च किया था सिविल मॉर्गेज चेक। ये सिविल मॉर्गेज चेक ये था कि भैया बड़े बड़े लोग बिल्डिंग बनाने के लिए घर बनाने के लिए लोन लेते थे और उनका जो मतलब चैन सिस्टम जो पुराने पैसे उनके मतलब जो घर पे कर्जा पहले है या नहीं है इसका पता नहीं चल पाता था। तो इन्होंने इस डाटा को भी एनालिसिस करके इस पे इन्होंने काम किया और इन्होंने बनाया सिविल मॉर्गेज चेक, यानी कि जो होम लोन वगैरह देते थे उस कंपनियों के लिए बहुत बड़ा अच्छा डाटा इन्होंने बनाना चालू कर दिया और इससे इनका नाम रोशन होने लग गया। फिर 2011 की बात आई, मतलब 2011 में मतलब देखा गया कि भाई कंपनी ही नहीं बड़े बड़े सिविल इंडिविजुअल भी डिफॉल्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल के लिए उन्होंने 2011 में सिविल स्कोर नाम की चीज़ एक्टिवेट कर दिया कि ये वहाँ उस टाइम इंडिविजुअल को भी देखने लगे, उनके पेन के भी यहाँ पे उनका भी चेकिंग स्टार्ट हो गया 2011 में। तो इस प्रकार से सिविल 2011 में स्टार्ट हुआ, 2011 आने तक इंडिविजुअल के भी डाटा को अपने पास रखने लग गया, उनको एनालिसिस करके बैंकों को NBFC को या उनके जो जो लेंडर्स उनसे डाटा लेते हैं उनको देने लग गया। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई कोई कहता था मैंने पहले ये क्रेडिट कार्ड खा लिया, मैंने पहले ये लोन खा लिया, मैंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन 2011 के बाद जिन्होंने अपने पैन नंबर को सिविल के डाटा में शेयर कर दिया उनकी फिर फिल्म ख़राब हो गई, उनके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। 2011 से पहले उन्होंने जो भी किया XYZ उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन 2011 के बाद अगर आपके डाटा सिविल के साथ मैच कर गया तो उसके बाद आप कुछ भी करके देख लीजिए, आपकी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। बात आती है 2011 में, 2011 में भाई क्या हुआ, आपको पता ही है कि इसको 4-5 कंपनियों ने मिलके इनको इनकॉर्पोरेट किया था। तो सबसे बड़ा स्टक 2016 तक आते आते भैया हो गया ट्रांस यूनियन का। पहले इस कंपनी का नाम सिविल था लेकिन 2016 के बाद इस कंपनी का नाम हो गया ट्रांस यूनियन सिविल, यानी कि अमेरिका की जो कंपनी है ट्रांस यूनियन उसका सबसे ज़्यादा स्टेक इसमें हो गया 82%। भारत सरकार को इस चीज़ को सोचते हुए ये सोच रहे हैं कि भैया आप आने वाले टाइम में अपना खुद का CIC कंपनी बनाएंगे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी खुद का, जैसे ट्रांस यूनियन है ना हमारे हिंदुस्तान का भी बनेगा और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये बन भी जाएगा। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारा डाटा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन अस यूनियन में जो बैंक ऑफ इंडिया का कुछ स्टॉक था उन्होंने अपना 5% स्टॉक था उन्होंने ट्रांस यूनियन को बेच दिया 190 करोड़ रुपए में। ट्रांस यूनियन का और स्कोर मतलब बढ़ गया, स्टॉक इसमें बढ़ गया, मतलब एकल अधिकार हो गया। 2017 में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सिविल ने एक और मतलब ऐप लॉन्च किया, उसमें MSME को जो लेंडर या बैंक या NBFC लोन देती है उनको बहुत आसानी होगी क्योंकि सिविल ने बताना चालू किया कि आप इस MSME को लोन दे रहे हैं इनका मतलब व्यवहार बैंकों के साथ अच्छा है, इन्होंने टाइम पे पेमेंट किया है या इन्होंने डिफॉल्ट किया है, तो बैंक इन MSME को भी इसके थ्रू पैसा देने में हिचकिचाहट खत्म हो गई। आप देखते होंगे कि आप लोगों को बार बार आप ऑफर आते होंगे पेटीएम के थ्रू पेजेप के थ्रू नई नई कंपनियों के थ्रू कि हाँ जी भैया लोन ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, अगर आपने उसको पेमेंट कर दिया तो 10 लाख ले लो। ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब सिविल की ही मोह माया है जो आप लोगों को पैसा दिलवाने में हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों ये थी सिविल की कहानी, सिविल मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड जो हो गया है ट्रांस यूनियन सिविल, यानी कि अमेरिका का स्टेक इसमें ज़्यादा है और हिंदुस्तान की सरकार आने वाले टाइम में काम करेगी कि ट्रांस CIC अपना हिंदुस्तान का हो और हमारा डाटा हमारे हिंदुस्तान में रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी सिविल के बारे में तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको इन्फॉर्मेशन फिनटेक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आने वाला टाइम आपका है, सरकार आपको देगी पैसा आपको धंधा करने के लिए, घर बनाने के लिए, आपके सपनों को पीरा करने के लिए। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्या जानती हैं अगर आप ओला कैब को रेगुलर यूज करते हैं, आप ट्रेवलर हैं ओला कैब से, तो आपको जी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड वैलेट में रखना जरूर चाहिए। आप इसमें 15% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और महीने में 600 रुपये तक का कैशबैक ले सकते हैं डीजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड से। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करना है तो आप विजिट करिए और पूरा रिव्यू देखिए।